हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमनदीप सिंह रेखी और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी सलाहकार में। हम लोग दो चीज़ें नई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज 360 डिग्री वीडियोस एंड ड्रोन वीडियोस। तो आज से आपको नॉर्मल वीडियोस की साथ साथ 360 डिग्री की वीडियो भी सेम प्रोजेक्ट की आपको मिलेगी और एक वीडियो साथ में आएगी जो कि होगी ड्रोन शॉट्स की। तो ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं ओमएक्स न्यू चंडीगढ़ लेक के ऊपर। हम लोग बैठे हुए हैं द लेक, प्रोजेक्ट का नाम द लेक है, उसके ऊपर है। ये जो आप सीन देख रहे हैं, दिस इज जो ओमएक्स का सेंटर ग्रीन एरिया है, वो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है। स्विमिंग पूल, बच्चों का पूल वहां पर है, ये सारा बच्चों के पूल का एरिया है। आसपास आप ग्रीनरी देख सकते हैं, दैट इज जिम। तो कुछ ऐसा सा है हमारा न्यू चंडीगढ़ का ओमएक्स द लेक। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा चलते हैं अपने ओडन खटोले पे और देखते हैं ड्रोन शॉट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना सफर शुरू करते हैं। हम लोग बैठे हुए हैं अपने ड्रोन के ऊपर, हमारी उड़ान शुरू हो चुकी हुई है। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है, दैट इज द लेक ओमएक्स का ये प्रोजेक्ट है। लोकेशन है न्यू चंडीगढ़ और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट रोड आ रही है बिल्कुल फ्रंट के ऊपर, फ्रॉम मध्य मार्ग सामने चंडीगढ़ है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट के सामने है, दैट इज मेडिसिटी। मेडिसिटी एक एरिया, डेडिकेटेड एरिया है फॉर हॉस्पिटल्स, जो कि न्यू चंडीगढ़ में बनाया जा रहा है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हॉस्पिटल्स ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हुए हैं, जैसे टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, किंग्स लंदन का जो हॉस्पिटल है वो है। और इस साइड पे अगर हम लोग रोड के जाते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कोराली और बद्दी के लिए अगर आपने जाना होगा तो आप यहाँ से जाएंगे लेफ्ट PR7 और ये सामने है हमारा द लेक। द लेक ओमएक्स का वो नगीना है, हीरे की अंगूठी के अंदर जड़ा हुआ वो हीरा है। और ये है उस प्रोजेक्ट की एंट्रेंस में से एक एंट्रेंस, बेकन स्ट्रीट इसको कहा जाता है। टोटल कमर्शियल, जबरदस्त, बेइंतहा खूबसूरत। और ये एक लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रंट की दो बिल्डिंग्स की। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और ताकि हम लोग वीडियो के अंदर इन बिल्डिंग्स को अच्छे से कैप्चर कर सकें, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। और ये हैं वो दो बिल्डिंग्स जिनका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड टावर एंड इंडिया ट्रेड टावर। ओमएक्स की दोनों बिल्डिंग्स हैं। अब मैं आपको ये जो सामने से बनाई गई है खूबसूरत सी ये दो बिल्डिंग्स, इनको कवर अप करते हैं हम लोग। ये देखिए, ये पूरा ग्रेनाइट का एक ये जो स्ट्रीट है, ये पूरी ग्रेनाइट की बनेगी। फ्रंट इसका बन के तैयार है। ये है हॉलीडे इन की बिल्डिंग, 5-स्टार होटल जो ओमएक्स बना रहा है, दिस इज हॉलीडे इन। और ये कुछ इस तरीके का आज की डेट में दिखाई देता है। आज से आने वाले 4-5 साल बाद जब आप इसको देखेंगे तो ये एक ऐसी मार्केट बन के निकलेगी बीकन जो ओमएक्स बना रहा है, जिसका वाकई में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मार्केट ये रहेगी। और अब मैं आपको वापस से इस रोड के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उससे पहले ये बिल्डिंग का फ्रंट एलिवेशन जो बन रहा है वो आप देख सकते हैं। हम लोग इस प्रोजेक्ट का एक एक कोना कवर अप करेंगे ताकि आपको हर एंगल से इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती का अंदाजा लग सके। यहां पर बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स ऑलरेडी आ चुके हुए हैं, जैसे सबवे आपके सामने है, बरेस्ता है, यहां पर चावलास का है, डोमिनोज है, और भी बहुत से ब्रांड्स जो हैं वो टाइप के अंदर चल रहे हैं। ये एक और एंगल से आप इस एरिया को देख सकते हैं। सामने हॉलीडे इन की बिल्डिंग है और अब मैं आपको इसका रोड का व्यू भी दिखाता हूं जो बिल्कुल फ्रंट पे है। अब आप यहां से राइट हैंड साइड चंडीगढ़ महज 9 किलोमीटर की दूरी है। घड़ी देख के 9 मिनट लगते हैं आपको PGI अगर आपने जाना है। वैसे तो हॉस्पिटल्स मैंने आपको बताया ही है कि बिल्कुल फ्रंट के ऊपर है और इस साइड पे कोराली।
अब हम लोग वापस से पीछे चलते हैं और मैं आपको अब लेके चलूंगा वो जो सामने छोटी छोटी बिल्डिंग्स आपको पीछे दिखाई दे रही हैं उनके बीच में मैं आपको लेके जाऊंगा। पर वहां पर जाने से पहले अगेन पूरा एक पैरानोमिक व्यू आपको दिखाते हैं। ये जो साइड थी वो चंडीगढ़ की थी, इस साइड पे कोराली बद्दी, पीछे पहाड़ों की खूबसूरत रेंज। आज मौसम थोड़ा सा फॉगी है तो वो पीछे वाले जो बड़े वाले पहाड़ हैं वो इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। तो उड़ान शुरू होने वाली है, सीट बेल्टें टाइट कर लीजिए, अब चलते हैं सीधा अंदर। देखिए पहली बार मैं ड्रोन उड़ा रहा था तो हो सकता है थोड़ा सा झटके वगैरह लगे, लेकिन बर्दाश्त करिएगा, मेहनत बहुत लगी है, तकरीबन एक हफ्ता लग गया इसको शूट करने में। बट जैसे जैसे आगे हम लोग वीडियोस बनाते जाएंगे हाथ उतना रिफाइन होता जाएगा। आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत होती है, हम लोग बहुत इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये जो आप ये खुला खुला सा एरिया देख रहे हैं ना, वो बिल्डिंग से पहले, वैसे तो एक दो बिल्डिंग्स और आनी है, तो ये खुला खुला जो एरिया है यहाँ पर बनेगी अभी तक की सबसे बड़ा कमर्शियल, जिसको बीकन कहा जाता है। ये ऑलरेडी काफ़ी हद तक सोल्ड आउट भी है, अवेलेबिलिटी बहुत ही मिनिमम है। आपको कोई कमर्शियल बेचना कुछ ऐसी हमारा आज का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, आपको दिखाना है कि कैसा दिखता है द लेक। हम लोग इस पूरे ओमेक्स के प्रोजेक्ट को कवर करेंगे और आज इस नगीने को कवर अप कर रहे हैं हम लोग। ये जो आप डिगिंग हुई हुई देख रहे हैं, यहां पर एक बिल्डिंग और आएगी, इसके पूरे आसपास सराउंडिंग एक रोड बनेगी। और ये जो दूरी आप देख रहे हैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच में, बहुत ही बड़ी दूरी है। वो मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा जहां से आपको अंदाजा लगेगा कि वाकई ये दूरी बहुत बड़ी है। ये आप जो सामने देख रहे हैं ये बेसमेंट है, ऊपर पूरा ब्यूटीफुल सी एक लेक डिजाइन हो रही है, पीछे आपको दिखाई देगी बनी हुई, आगे वो बनती आ रही है, ग्रीन सेंटर ग्रीन, जो इसके ऊपर स्विमिंग पूल्स हैं, जो लेक बन रही है वो सब बेसमेंट के ऊपर बनेगी। नीचे बेसमेंट होगी, आपके लिए कार पार्किंग होगी और ये एक पैरानोमिक व्यू पूरा बिल्डिंग्स का आपको दिखाई दे रहा है आपके सामने। ज़्यादा कोई डिटेल मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन से साइजेस हैं, वैसे आपको बता देता हूँ तकरीबन 950 स्क्वायर फीट से लेके 9400 स्क्वायर फीट तक के साइजेस हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। और ये सामने आप जो देख रहे हैं ये नीचे डिगिंग हुई हुई है, सरिये आपको बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, ये है बिल्डिंग जो यहाँ पर बननी है। अब आप यहां पर नीचे नोटिस करिए, वो बेसमेंट का हिस्सा तैयार हो रहा है, बिल्डिंग्स का सिविल वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट है। वो देखिए अब नीचे ग्रीन पोर्शन के नीचे देखिए, वो सारी बेसमेंट है, ऊपर पूरी लेंटर डल के ऊपर सारा ग्रीनरी और वाटर बॉडीज जो हैं वो आएंगी। आई होप कि आपको हर चीज क्लैरिटी के साथ समझ आ रही होगी। ये देखिए यहां से आपको क्लोजअप से काफी हद तक समझ आ जाएगा। अब ये आप क्लोजअप देखिए, ये मैं इसकी बात कर रहा था, दिस इज द बेसमेंट। हर बिल्डिंग के नीचे आपको बेसमेंट दिखाई दे रही है, ये देखिए सिंगल बेसमेंट, बिल्कुल एंड वाली बिल्डिंग से लेके यहां तक आपकी सिंगल बेसमेंट है और तकरीबन 1300 फ्लैट्स के आसपास की यहां पर जो आपकी कम्युनिटी है बनेगी द लेक। अब चलते हैं हम लोग वापस एंट्रेंस पे, वहां से मैं आपको लेके चलूंगा उड़ान के दूसरे हिस्से पे, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा इसका दूसरी एंट्रेंस और पीयर 7 रोड, वो आपको दिखाएंगे। और आपको ये जो पीछे ग्रीन हिस्सा था वो आपको इन डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा। इस एरिया में सारा बीकन एंड कमर्शियल वो आएगा, सामने हॉलिडे इनकी बिल्डिंग आ गई,
इंडिया ट्रेड टावर एंड इंटरनेशनल ट्रेड टावर्स आ गए। ओमेक्स थोड़ा सा टाइम जरूर लगा देता है, लेकिन जो ये चीज बनाता है वाकई में इसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। चाहे आप रेजिडेंशियल ले लीजिए, चाहे आप कमर्शियल ले लीजिए, आज आप ऐसी चीजें देखने वाले हैं जिसको देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि वाकई ये चीजें और किसी प्रोजेक्ट में हो ही नहीं सकती। एक बार को आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं किसी वाटर पार्क में आया हूं या मैं कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी को देख रहा हूं। सामने आपको छोटे छोटे पहाड़ नजर आ रहे हैं, बड़े पहाड़, बिकॉज टुडे इज अ फॉगी वेदर, तो थोड़ा सा फॉग सी होने के कारण, मिस्ट सी है कुछ हवा में, तो उसके कारण पीछे के बड़े पहाड़ दिख नहीं रहे हैं। तो अब फटाफट से हम लोग बाहर निकलते हैं। ये आ गया मेन एंट्रेंस, बिल्कुल इसके साथ में ही जो फ्यूचर प्लानिंग है, मेट्रो बिल्कुल इसके पास आएगी और हमने जाना है अब इस साइड पे। तो चलिए चलते हैं। ये हम लोग पहुंच चुके हुए हैं, वो सामने आपकी बिल्डिंग्स थी जहां पर पहले अभी हम लोग थे। ये आ गया वो चौक, ये सीधा रोड जाती है टुवर्ड्स कोराली एंड बद्दी और हमने मुड़ना है इस साइड पे। ये है PR7 रोड। तो चलिए चलते हैं और अब हम लोग पहुंच चुके हुए हैं बिल्कुल अपने द लेक की एंट्रेंस के ऊपर। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि बिल्डिंग्स कितनी कंप्लीट ऑलरेडी हो चुकी हुई हैं। ये कुछ बिल्डिंग्स जो इस साइड पे हैं, ये पोजेशन के ऊपर हैं, कंप्लीट हो चुकी हुई हैं नीचे से लेके ऊपर तक। ये ओमेक्स का लोगो आ गया, बोर्ड आ गया। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपको पूरा इसका व्यू दिखाते हैं। एक मैं आपको यहीं से नीचे करके भी दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर आ जाती हैं इनकी बाउंड्री वॉल के अंदर इन बिल्डिंग्स की एंट्रेंस। ये बिल्डिंग्स कंप्लीट हो चुकी हुई हैं और राइट एंड साइड वाली जो बिल्डिंग्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के ऊपर हैं। ये सर्कल रोड घूम रहा है बिल्कुल इधर, मैं आपको इसके अभी क्लोजअप में लेकर चलता हूं। ये देखिए, ये विक्टोरिया ए, अलग अलग साइजेस हैं हर बिल्डिंग के, नीचे से लेके ऊपर तक एक ही साइज चलता है। ये बिल्कुल कंप्लीट है, सिक्योरिटी गार्ड्स आपके सामने खड़े हुए थे जो अंदर सर्विस प्रोवाइड करती हैं स्टाफ, वो यहां पर थे। ये दूसरी बिल्डिंग, अब इसके आगे हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहां पर बैरियर लगा हुआ है, आगे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और इस जो अंदर सर्कल रोड है, आप इसकी विड्थ देखिए, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत हर चीज बनाई गई है यहां पर। अब आपको लेकर चलते हैं अपनी मेन अट्रैक्शन की तरफ, जो इसका सेंटर ग्रीन है, जो क्लब तो अभी बनना है। ये जो आप चीजें देखेंगे आज, ये वाकई में शायद 10% भी नहीं है जो यहां पर बनना है। स्विमिंग पूल, लॉन टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, बच्चों का प्ले एरिया। अब आपको बिल्कुल, ये पहले सीन था ऊपर से, अब आपको दिखाते हैं जो आप चलते हुए फील करेंगे यहां पर, जैसा आपको यहां पर फीलिंग आएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं ये ओपन जिम का एरिया आ जाता है। दिस इज ओपन जिम। थोड़ा और आगे चलते हैं, ये हमारी टीम नीचे काम कर रही है, वीडियो शूट कर रही है। ये बच्चों का पूल का एरिया आ गया, शाम को ये चल रहा होगा। जब तक हम लोग वीडियो के अगले हिस्से में पहुंचेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये बिल्डिंग्स का एक और व्यू। यहां पर रहना जन्नत में रहने से कम नहीं है। ओपन जिम, पैरानोमिक व्यू आपने देखा, अब आपको इसके क्लोजअप्स दिखाते हैं।
ये देखिए नीचे बैठने के लिए कितनी खूबसूरत जगह बनाई गई है। सामने फुली पैडेड किड्स प्ले एरिया आ गया। लॉन टेनिस कोर्ट आ गया। आगे बैडमिंटन कोर्ट। थोड़ा सा आगे और जाएंगे और आपको बिल्डिंग्स का ओवरव्यू मैं दिखाता हूं। ये सीन जो था ये बेसिकली ये दिखाने के लिए है कि आपकी बिल्डिंग्स में से कैसा आपको दिखाई देगा। ये सारी बैल्कनीज जो टूवर्ड्स ग्रीन की तरफ आएंगी, यहां पर आपको बेसिकली दो ऑप्शंस मिलती हैं। एक आपको मिलता है पहाड़ियों का व्यू और दूसरा मिलता है सेंटर ग्रीन का व्यू। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। आप इसकी चौड़ाई का अंदाजा लगाइए, बीच में आपको ये छोटे छोटे से बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं, इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये वाकई में बहुत ज्यादा चौड़ाई है। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं जो आप आज चीजें देखेंगे, जिस चीज के आप गवाह बनेंगे, वो वाकई में आपको किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट में देखने को नहीं मिलेंगी। चीजें शायद इंडिया लेवल पर भी आपको देखने को ना मिले, शायद। और हां प्लीज, आप हो सकता है हमसे कोई गलत इंफॉर्मेशन हो जाए तो काइंडली डॉक्यूमेंट्स को रेफर जरूर करिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग साथ में अटैच करते हैं। कंपनी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये पूल का व्यू आपको दिखाई दे रहा है। ये बड़ों का पूल आ गया। आगे ये जो है ये बच्चों का पूल, साथ में उनका वाटर पार्क। नॉर्मली क्या रहता है कि बच्चों के पूल को ना वो छोटा सा पूल बना के दे दिया जाता है और कोई एंटरटेनमेंट की चीज नहीं होती। अब इसका व्यू देखिए आप, ब्यूटिफुल। ये पूरा एक थीम बेस्ड है। ये पूरी एक सॉर्ट ऑफ लेक, सॉर्ट ऑफ पूरे शुरू से लेके एंड तक ये बनेगी। मैं आपको आगे के सीन में वो चीज दिखाता हूं अभी। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपने इसका जो फ्रंट इमेज थी वहां पर लिखा हुआ था कि डोंट शो दिस वीडियो टू योर किड्स एल्स यही है कि बच्चे देखेंगे तो बच्चे शायद आप उन्हें मना ना कर पाए यहां से। मतलब उन्होंने तो जिद करनी ही करनी है ऐसी ब्यूटिफुल वाटर पार्क देख के कि पापा हमें यहां पर रहने के लिए घर लेना है। यहां पर हर उम्र के इंसान का ध्यान रखा गया है, चाहे वो बुजुर्ग हैं, जवान हैं, चाहे वो बच्चे हैं। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ जाएगा यहां पर बहुत अमेजिंग चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहां का जो मेन क्लब आ रहा है वो ऑस्ट्रेलियन जो ओपेरा हाउस है उसके ऊपर, उसकी थीम के ऊपर बेस्ड है वो, और बहुत ही खूबसूरत वो क्लब बनने वाला है। ऐसा क्लब शायद कहीं पे आपको देखने को ना मिले। ओमिक्स के अंदर इटसेल्फ 7 क्लब्स आ रहे हैं। अब आप यहां से नोटिस करिए ये थीम जो है वो आगे कंटिन्यू हो रही है। ये यहां पर अब आप देखिए नीचे जाने के लिए सीढ़ियां हैं और ये पूरी बेसमेंट बन के तैयार हो चुकी है। ये सामने अब आप देखिए वो छोटा सा आपको एक डंप ट्रक दिखाई दे रहा है, सीमेंट मिक्सचर वाला, और वो कितना छोटा दिखाई दे रहा है। अब आपको यहां से चौड़ाई का इसकी अंदाजा लग रहा होगा कि ये वाकई में बहुत ज्यादा चौड़ा है। और ये सारा जैसा आपने पीछे देखा पूरा डिजाइंड वाटर पार्क, वैसा ही शायद उससे 10 कदम आगे यहां पर बनेगा। ये अब एक और जो हमारे यहाँ पर गजीबोस बनाए गए हैं आप लोगों के बैठने के लिए स्विमिंग पूल के किनारे, और साथ में चेंजिंग रूम है, वॉशरूम्स हैं, ये उनका सीन है। ये गजीबोस आपके सामने हैं।
और ये नाचीज आपके सामने खड़ा हुआ आपको वेव कर रहा है, काइंडली वेव कर दीजिएगा। ये देखिए जी, अब देखिए ये बच्चों को जरूर दिखाइए, दिखाना है दिखाइए, नहीं दिखाना तो आपकी मर्जी। पूल चल पड़ा है और ये देखिए कितना खूबसूरत, किसी वाटर पार्क से कम नहीं है ये। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप हमें दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अमनदीप सिंह रेखी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं हमारी वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। बहुत एफर्ट लगती है, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम आपके लिए और आने वाले टाइम के अंदर बेहतरीन वीडियोस इसी तरीके की लेके आ सकें। थैंक यू।